गुरुवार का दिन यानी बैसाख माह का पहला गुरुवार एक चुटकी हल्दी खोल देगी आपकी बंद किस्मत के ताली। पूज्यगुरुदेव द्वारा बताए गए एक चुटकी के उपाय, साथ ही साथ आपको दीपक और दो लौंग से विशेष उपाय इस गुरुवार के दिन कर लेना है। बैसाख का महीना अपने आप में खास होता है। बैसाख के महीने में अगर आप एक चुटकी हल्दी का उपाय करते हैं तो जीवन की हर प्रकार की समस्या दूर होती है और धन आपके घर में खिंचा हुआ चला आता है, साथ ही साथ बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाती हैं। तो कैसे आपको ये उपाय करना है, किस तरीके से आप उपाय करके अपने जीवन से माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और गरीबी को दूर कर सकते हैं, देखिए अगर आप अपने जीवन में धन की वर्षा करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में समस्याओं में फंसे हैं और पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को जानकर आप इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ध्यान से एक काम करना, आज का पूरा वीडियो अंत तक देखना। और वीडियो देखने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके जीवन में धन आना ही छूट चुका है, किसी तरह से धन आ ही नहीं रहा है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में हो ही नहीं रही है, चारों दिशाओं से आपके घर में धन खिंचा हुआ आएगा, बस थोड़ा ध्यान से वीडियो को सुनना। देखिए गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा का दिन होता है। इस दिन सभी देवी देवताओं की पूजा एक तरफ और भगवान विष्णु की पूजा एक तरफ। भगवान विष्णु की पूजा जो व्यक्ति गुरुवार के दिन करता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अगर बैसाख माह के पहले गुरुवार को की जाती है तो तुरंत ही वो पूजा सिद्ध हो जाती है। बैसाख का महीना हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए बैसाख महीने के पहले बृहस्पतिवार को, जो कि महा बृहस्पतिवार कही जाती है, कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है, कोई भी वैसा उपाय नहीं है, सिर्फ महादेव और भगवान से जोड़ने वाले उपाय हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके आप थक चुके हैं परंतु मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, तो इस उपाय का जो लाभ हो ना वो आपको करोड़ों गुना आपको प्राप्त होगा, आपकी किस्मत को पलट देगा। बस 2-4 मिनट का ये समय निकाल कर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और इस उपाय को कर लीजिए। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है, 2 लौंग का जोड़ा लेना है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके जीवन में इतना ज़्यादा आएगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, माता की कृपा आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा और आप जो चाहते हैं वो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, घर गाड़ी बंगला पैसा रुतबा सब कुछ आपको प्राप्त होगा। विष्णु जी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सुखमय हो जाता है तो आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके पास में अत्यधिक कर्जा हो चुका है, पैसा आता तो है परंतु टिकता नहीं, आपने कर्ज लिए रखा है, माया जाल में फंस चुके हैं कर्ज के, तो इन सभी समस्याओं से निकलने का सिर्फ एक समाधान है, आपको 2 साबुत लौंग लेनी है। लौंग का मतलब ये नहीं कि आप खंडित लौंग लें, नहीं, खंडित लौंग कभी नहीं लेना, बस आपको फूल वाली लौंग लेनी है, एकदम साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, उन पर फूल होना चाहिए, टूटी फूटी लौंग कहीं से नहीं होनी चाहिए। और आपको एक दीपक लेना है। अब क्या करना है ध्यान से सुनिए, गाय का जो दूध होता है उससे बना हुआ जो घी होता है, उस घी को दीपक के अंदर जो आप भरेंगे तो उसके अंदर आपको लाल रंग की बाती लगानी है। अब आपका जो घर का पूजा घर है वहां आपको बैठना है। ध्यान से सुनिए, मैंने जो बताया कि आपको 2 लौंग लेनी है, 2 लौंग लेने के बाद फूल वाली लौंग लेनी है, 1 दीपक लेना है, दीपक के अंदर गाय का घी भरना है, घी भरने के बाद उसमें लाल बाती का प्रयोग करना है और जो पूजा घर का पूजा मंदिर है वहाँ पर बैठ जाना है और ये उपाय आपको घर के पूजा घर में ही करना है। और यहाँ उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आता है। घर के पूजा घर पर बैठिए, आपको घर पर जो माता लक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति हो, जो भी चित्र हो, भगवान विष्णु की जो भी मूर्ति हो, उसके सामने आपको बैठना है और जो कला चित्र है उस कला चित्र को अगर आपके घर नहीं है तो खरीद कर भी आप इस महीने में ला सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कला का चित्र घर में स्थापित करना शुभ होता है, तो आपको ये अपने घर में स्थापित करना है और फिर 1 दीपक रखना है। सबसे पहले दीपक को आपको जला देना है, दीपक जलाने के बाद उसमें आपको 1 लौंग डाल देनी है। पहले लौंग आपने डाल दी और पहले लौंग डालने के बाद आप जो दूसरी लौंग है उसको लीजिए और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए।
अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र होता है ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः, इस मंत्र को आपको दो बार बोलना है। और दो बार बोलने के बाद आप इसे 21 बार 11 बार 51 बार जितना हो सके उतना जाप कर लें। और फिर आपको करना क्या है कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के पैरों में रखी है ना, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग को अपनी हर परेशानी को बोलते हुए अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। इस लाल कपड़े में आपको इस लौंग को रख कर पूरे कपड़े पर आपको मौली का जो धागा होता है वो लपेट देना है। बस यही आपको करना है। अपना ज़्यादा समय न बिताते हुए आपको ये जो लौंग है ये सीधे जाकर के अपने घर में किसी भी अलमारी तिजोरी सुरक्षा वाली स्थान पर आपको ये रख देनी है। फिर देखना आने वाली जो अगले साल का, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो आने वाला अगला 2025 होगा, उसमें जो वैसाख माह होगा तब तक देखना आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पता ही नहीं चलेगा आपकी समस्याएं कहाँ चली गई और जो कि माँ लक्ष्मी है ना वो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो ये जो है भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का महा उपाय है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन में राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपके साथ देंगे, आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए शाम के समय गुरुवार का दिन है तो शाम के समय आपको नहाना है धोना है और घर के ही पास में कोई पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ के पास जाना है और पहले से ही दीपक अपने साथ में लेकर जाएं और उसमें गाय का जो दूध होता है उसका जो घी होता है उस घी का प्रयोग करना है। और 5 लौंग ध्यान से सुनना, 5 लौंग लेनी है और आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल देनी है। एक लौंग डालने के बाद आपको एक लौंग बची हुई है ना इसको पूर्व दिशा में रख दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, ठीक है। और उसके बाद आप इस मंत्र को जैसे ही जाप करते हैं तो आपको अपने घर में आ जाना है। पूजा करने के बाद आपको इतना सा उपाय अगर आप इस गुरुवार करते हैं तो आपके जो जीवन में राहु केतु की जो दिशा बिगड़ चुकी है जिसकी वजह से आपके कार्य सफल नहीं होते, भाग्य का साथ नहीं मिलता, वो आपके कार्य सफल होंगे। बस इतना सा उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। उम्मीद है दोनों उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। कोई सा एक उपाय करके देखिए, आपका जीवन पहले से ज़्यादा सुखमय कल्याणकारी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों।